क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ट्रांसपोर्ट नगर का किराया है, वहाँ पर आदर्श नगर के और दूसरे कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, वो जेपी नड्डा की अगवानी करेंगे। इसमें किशनपुर के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। चौथा पॉइंट जो होगा वो खोर के हनुमान जी होगा, जहाँ पर स्वागत होगा हवा महल के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हवा महल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से। पांचवा पॉइंट जो ठीक होटल से पहले है कुंडा आमेर में, वो पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी जयपुर देहात उत्तर के कार्यकर्ता वहां अगवानी करेंगे। उसमें बीजेपी जयपुर देहात उत्तर के कार्यकर्ता वहां अगवानी करेंगे, जिसमें जितेंद्र शर्मा की अगुवाई में जेपी नड्डा का स्वागत होगा। बात बात ये कि वहां पर एक हाथी है, गजानन सुंदर नाम है इसका, और वो हाथी जेपी नड्डा को माला पहनाएगा। वो तस्वीर वाकई देखने लायक अद्भुत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर ऐसे दृश्य जब पार्टी के केंद्रीय नेता आते हैं तब दिखाई नहीं देते हैं, और वो तस्वीर जो होगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में कुंडा के, ये कुंडा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि है। सतीश पूनिया के विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के खुद पूनिया उत्साहित थे, पूरी पार्टी तो उत्साहित है ही है। पूनिया का कहना था कि वे इसलिए भी गौरवान्वित है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और उन्हें मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम का होस्ट बनने का। पार्टी किस तरीके से इस बैठक के बाद का मैसेज लेकर के जाए, इसको लेकर के कार्यकर्ता आशान्वित है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इसके बाद में संगठन का जो स्वरूप होगा वो तो निखर के आएगा ही, साथ में कार्यकर्ताओं में एकजुटता भी मजबूती से निखर के दिखाई देगी। जी शशि, लेकिन सवाल ये, मैं संजय बोल रहा हूँ, सवाल ये है कि जिस तरीके से इस पूरे रोड शो को आप देख रहे हैं, चुनावी मोड में इस वक्त ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इतना भव्य स्वागत, ये बहुत बड़ा मैसेज देगा, अब नहीं अब से आने वाले 2 साल के लिए कहा जाए कि इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए संजय, आप देखिए जब ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ना केवल कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के बाद बल्कि उस कार्यक्रम की तैयारियों के समय से ही असर दिखना शुरू हो जाता है। कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनती है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है, जब कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलती है तो वो संगठन से अपनत्व और उससे जुड़ाव नजदीकी से महसूस करता है। देखिए मैं यहाँ देख सकता हूँ कि बुलेट पर तकरीबन 50 से ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर आगे नड्डा की अगवानी करते हुए चल रहे हैं, उनके रोड शो को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे हैं। हालांकि पुलिस की गाड़ियां भी हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ियों से पहले ये कार्यकर्ता उनको एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे हैं। और पूरी आपको आमेर तक यही तस्वीरें दिखाई देंगी, ये कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज पार्टी का झंडा लेकर के, और यही मैसेज लोगों तक जाता है, यही मैसेज जाएगा। इसी मैसेज को देने के लिए ये लोग साथ में आ रहे हैं। जेपी नड्डा का टारगेट आगे चल रहा है और वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया दोनों जेपी नड्डा के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर चल रहे हैं। ये एक और बड़ा मैसेज है एकजुटता का, वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया दोनों जेपी नड्डा की गाड़ी में सवार हैं। इससे पहले अलग अलग मौके रहे जब जेपी नड्डा का यहाँ दौरा हुआ, पिछले साल मार्च में भी जेपी नड्डा आए थे, राजस्थान बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी, लेकिन तब सतीश पूनिया उस गाड़ी में सवार थे, वसुंधरा राजे नहीं थी। आज एक तरीके से ये देखिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने के चलते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा राजे, इसलिए भी उनको साथ में बिठाया गया है। और यह संगठन में एकजुटता का मैसेज देने की कवायद भी है कि पूरा संगठन बीजेपी का राजस्थान में एकजुट होकर के, एकमुखी होकर के आगे बढ़ेगा और राज्य में अपनी जो प्रतिस्पर्धी पार्टियां हैं उनका मुकाबला करेगा। और यही एक कारण है कि संभवतः वसुंधरा राजे को भी इस गाड़ी में साथ दिखाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी होना लाजमी था क्योंकि वो इस वक्त संगठन की अगुवाई कर रहे हैं, संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल रहे हैं, इसलिए जी भी उनको साथ में रहना ही था। पूरा कार्केट आगे चल रहा है। देखिए संजय, हालांकि जिस बात की आशंका हर वक्त होती है जब ये इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो बीजेपी की कोशिश होती है कि
उनकी पार्टी का मैसेज लोगों के बीच में जाए, इसलिए एक डबल डेकर बस जो ओपन बस है वो की जाती है, जिसपे सारे कैमरा पर्सन सवार होते हैं और वो उनके नेता के आगे आगे वो बस चलती है। लेकिन थोड़ी देर में अव्यवस्था हो जाती है या नेताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, वो उस बस को ओवरटेक करके चल जाते हैं। कुछ सिक्योरिटी कारण भी होते हैं, यहाँ पर पुलिस ने बस को रोक दिया। हालांकि बस अब पीछे हो गई है जेपी नड्डा के, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जेपी नड्डा के टारगेट की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे। बिल्कुल सही शशि, और जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रहे हैं, आपके पास मैं आऊंगा। विष्णु भी हमारे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़ रहे हैं। विष्णु, आपके यहाँ इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो काफिला इस वक्त चल रहा है, कहाँ पहुंचा है और फिलहाल क्या क्या रूट तय किया गया है जहां पर इसी तरीके से स्वागत कार्यक्रम चलेगा? अभी बिल्कुल संजय, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा वहां एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अब यहां इस वक्त मैं ट्रांसपोर्ट नगर थाने चौराहे पर मौजूद हूं। यहां पर कुछ देर बाद जेपी नड्डा पहुंचेंगे, उससे पहले बड़ी संख्या में यहां कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं। आदर्श नगर और बस्सी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो जेपी नड्डा के स्वागत के लिए हाथी बुलाए गए हैं, खासतौर से जो हाथी जेपी नड्डा के काफिले पर माला या पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ जो यहाँ के परंपरागत सेनाई वादन या जिसको कह सकते हैं वो किया जाएगा। ग्रामीण इलाके से भी यहाँ पर लोग आए हैं, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, लगातार यहाँ जो कार्यकर्ता है वो उत्साह है लोग कार्यकर्ताओं में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर, और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता, उनसे बात भी करते हैं, क्या कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक पर्व है, और राजस्थान के अंदर जब चुनाव की आहट जग चुकी है उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ आना, राष्ट्रीय पदाधिकारी का होना, ये देखिए ये उत्साह दिखाई दे रहा। मनोहर के पास चलते हैं, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। मनोहर, आपके यहाँ इस वक्त तैयारियां दिखाई है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, जेपी नड्डा कितनी देर में पहुंचाएंगे वहां पर? मनोहर, मेरी आवाज आ रही है? कितना वक्त लगेगा यहां पर पहुंचने में, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल संजय, तो आवाज आपकी कम आ रही है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक तेज है, फिर भी मैं आपको जो समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। आपने समय का पूछा है कि 5:30 बजे, 6:30 बजे करीब यहाँ पर जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं। सहयोगी संजय को कहूँगा कि आप यहाँ का माहौल दिखाएं कि किस तरीके से उनके वेलकम के लिए हाथी यहाँ पर लगाए गए। देखो, हाथी आए हुए हैं, हाथी से उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। साथ ही पूरा केसरिया पाग पहने हुए कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। साथ ही आप मंच को सजाया गया, पूरा केसरिया कलर है, आप देखिए।